नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स को फुल डिटेल के साथ किस तरीके से देख सकते हैं। फुल डिटेल यानी कि उस स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्वांटिटी में क्या था, अल्टरनेटिव उसकी क्या थी, वैल्यू क्या थी, उसके बाद हमने उस स्टॉक आइटम को फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितना क्वांटिटी में परचेज किया, उसकी वैल्यू क्या थी, आउटवर्ड यानी कि उस स्टॉक आइटम को हमने क्वांटिटी में सेल कितना कर दिया, कितनी वैल्यू की हमने उसकी सेल कर दी, उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या थी, कंजप्शन उसका क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था और उस ग्रॉस प्रॉफिट उसका परसेंटेज में क्या रहा, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बच गया, क्वांटिटी में कितना बच गया और उसकी क्या वैल्यू हमने रखी है। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से देख सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो दोस्तों एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, एक नया अकाउंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक कब देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक देखने के लिए हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री हमने अगर मेंटेन करी है तो ही हम उस क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉपर सही तरीके से देख सकते हैं। अगर हमने बिना इन्वेंट्री के ही अकाउंटिंग मेंटेन करी है तो उसमें स्टॉक का कोई भी वैल्यू होता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमने इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग मेंटेन करी है यानी कि टोटल हमने परचेज किए हैं, सेल किए हैं, तो कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है ये हमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही बता देता है। लेकिन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हमें कब बताएगा, जैसा कि अगर हमें स्टॉक देखना हो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो सबसे पहले हम जैसे हम टेली को स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है गेटवे ऑफ टेली की, और उसके बाद के अंदर हमें जाना होता है स्टॉक समरी में। तो जैसे हम स्टॉक समरी पे जाएंगे तो आपने अगर ग्रुप बना रखे हैं स्टॉक आइटम के तो आपको यहां पर ग्रुप वाइज दिखाएगा, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हो कंप्यूटर पार्ट्स और 29,100 रुपए का स्टॉक मेरे पास शो कर रहा है। लेकिन अब इसके अंदर स्टॉक आइटम क्या है ये अभी मेरे को यहां पर नहीं पता लग रहा, तो इसको मैं पूरी डिटेल के साथ देखूंगा। डिटेल के साथ देखने के लिए एल्ट एफ वन बटन प्रेस करूंगा, एल्ट एफ वन। जैसे हम एल्ट एफ वन के साथ डिटेल के साथ करेंगे तो ये जो हमने स्टॉक आइटम है और इसका ग्रुप हमने यहां पर ये दिया हुआ था कंप्यूटर पार्ट्स, तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं ग्रुप कहां दिया जाता है। जैसे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो ये अंडर में जो हमने ग्रुप यहां पर जो दे रखा है वो हमें क्लोजिंग स्टॉक में ग्रुप सबसे पहले दिखाएगा और उसके बाद में स्टॉक आइटम हमें शो करेगा। जैसे हम स्टॉक समरी पर गए, आप देख रहे हो कंप्यूटर पार्ट्स का इसने स्टॉक दिखा दिया। हम एल्ट एफ1 के डिटेल के साथ करेंगे तो अभी भी आप देख रहे हो यहां पर हमें ये क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अब हमें देखना हो भी इस स्टॉक आइटम को हमने परचेज कितना किया, साल के दौरान हमने इसको सेल कितना कर दिया, तब हमें ये 46 का क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक 46 बचने का रीजन क्या है, परचेज कितनी थी इसकी और सेल क्या थी, तो इसकी पूरी डिटेल को देखने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगरेशन की हमारी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है F12, या आप यहाँ पर इस कॉन्फ़िगर पर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब उसके अंदर आपको जो जो डिटेल्स चाहिए उस ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे यानी कि यस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें शो क्वांटिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और उसके बाद में शो अल्टरनेट यूनिट। अगर आपने उस स्टॉक आइटम की अल्टर यूनिट है जो साथ में क्रिएट कर रखी है उसको भी देखना चाहते हो तो हम इसको भी यस कर देंगे। अब जैसा कि मेरे पास अल्टरनेट यूनिट है नहीं तो मैं इसको नो रखूंगा। कंपाउंड यूनिट अगर आपने बना रखी है उसको भी साथ में देखना चाहो तो उसको आप यस कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको मैं जैसे जैसे हम इसको यस करते जाएंगे हमारी जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा वाइड होती जाएगी। उसके बाद हमें रेट भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, और उसके बाद में डिटेल आ जाती है शो ओपनिंग बैलेंस। तो शो ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे और उसके बाद में आ जाएगा शो गुड्स इनवर्ड, यानी कि आपने टोटल परचेज साथ में देखनी है तो आपको इनवर्ड्स पर भी क्लिक करना पड़ेगा। इनवर्ड्स का मतलब आपके पास कितना स्टॉक इन हुआ, यानी कि एक तरीके का ये परचेज का ऑप्शन है। इसी तरीके से शो गुड्स आउटवर्ड, आउटवर्ड का मीन्स टोटल आपने स्टॉक को सेल कितना कर दिया, सेल की वैल्यू भी क्वांटिटी और वैल्यू साथ देखना चाहते हो तो आप इसको
यस कर सकते हो। और उसके बाद के अंदर अगर आप ग्रोस वैल्यू भी देखना चाहते हो, तो ग्रोस वैल्यू तो आपकी वजह से हमने इसको स्टॉक वैल्यू को यस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको इसको यस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में शो कंजम्पशन एंड ग्रोस प्रॉफिट, यानी कि हमें आइटम वाइज ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है, ये डिटेल भी अगर हमें साथ में देखनी हो तो हम इसको यस कर देंगे। और उसके बाद में शो क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस तो आपको साथ में चाहिए, तो ये भी आपको साथ में दिखाएगा। उसके बाद में आ जाएगा शो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, यानी कि कुछ एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाती है जो साल के दौरान हमने ओपनिंग तो कुछ नहीं था, परचेज किया, पांच पीस परचेज किए और पांच के पांच ही सेल कर दिए, तो वो आपको हो सकता है इस क्लोजिंग स्टॉक में ना दिखे। अगर उसको भी आप देखना चाहते हो तो हम इस ऑप्शन को इनेबल यानी कि यस कर देंगे। और उसके बाद में एक्सक्लूड डिटेल नो ट्रांजेक्शन, इसको हम नो ही रहने देंगे। और उसके बाद के अंदर आ जाएगा टाइप ऑफ ग्रुपिंग, तो स्टॉक आपको ग्रुप वाइज देखना है या आइटम वाइज देखना है, तो आप ग्रुप वाइज देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप इसको ग्रुप वाइज ही रहने दें। और उसके बाद हम पूरी डिटेल देखेंगे, कंसोलिडेटेड हम इसको नहीं देखेंगे। और उसके बाद के अंदर ये ऑप्शन अगर आप इनको यस करना चाहते हो भी, मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी अगर आप साथ देखना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। और उसके बाद में इसको हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे इस विंडो को। तो जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो आप देख सकते हो ये हमारे पास स्टॉक आइटम है और ये हमारे पास अलग अलग कॉलम वाइज डिटेल आ गई। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस का। अब ओपनिंग बैलेंस, इन स्टॉक आइटम की ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ये ऑप्शन मेरे पास, ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल खाली रहेगा। और उसके बाद के अंदर रही बात परचेज की, तो ये आ गया आपका ऑप्शन इनवर्ड का। अब इनवर्ड के अंदर आपके पास क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, तो ये जो स्टॉक आइटम है हमारे पास कीबोर्ड विद वायर, ये आप देख रहे हो 50 पीस और ये 500 रुपए के हिसाब से हमने ये परचेज किया, तो ये 25,000 रुपए की वैल्यू इसकी बन चुकी है। और इस स्टॉक आइटम को हमने चार पीस क्वांटिटी के अंदर सेल कर दिए हैं 712 रुपए और 50 रुपए से एक पीस का ये रेट आ रहा है और ये 2,850 रुपए आपका टोटल वैल्यू आ रही है। और उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, तो यानी कि ये 850 रुपए आपको इस स्टॉक आइटम के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है और ये इसका प्रॉफिट का आपका मार्जिन 29.82 यानी कि 29.82 परसेंटेज के अंदर, ये आपको ये परसेंटेज के अंदर दिखाएगा, यहाँ पर इतना परसेंटेज आपको ये प्रॉफिट स्टॉक आइटम दे के जा रही है। और उसके बाद के अंदर ये 46 क्वांटिटी के अंदर हमारे पास स्टॉक बच गया और उसकी जो वैल्यू है आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो भी आपको वैल्यूएशन क्या रखनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लास्ट परचेज कॉस्ट रख दिया, तो ये ऑटोमेटिक अपने लास्ट परचेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर पिक कर लेगा 500, क्योंकि इसकी जो परचेज की जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास 500 रुपए की ही आ रही है, तो इसलिए इसके जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 500 रुपए रेट की दिखाएगा। और ये 46 को अगर मल्टीप्लाई कर देगा 500 से तो ये 23,000 रुपए की इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल है। अगर आप जैसे जैसे ऑप्शन को इनेबल करते जाओगे वैसे वैसे आपके साथ ये डिटेल है जो कॉलम वाइज आपको दिखती जाएगी। और ये वो स्टॉक आइटम है जो हमने साल के दौरान, स्टॉक आइटम तो हमने क्रिएट कर ली लेकिन उसको दौरान साल के दौरान न तो हमारे पास उसका कोई ओपनिंग था, न हमने कोई उसको परचेज करी, न सेल करी, नहीं उसका कोई स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू भी दिखाएगा। अगर ये स्टॉक आइटम आपके पास परचेज होगी और आपने AGTG स्टॉक को नील मतलब सेल कर दिया, स्टॉक आपके पास नील बच गया, तो हो सकता है आपको ये क्लोजिंग स्टॉक में ना दिखाई, लेकिन आपको एफ जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, शो स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस को, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको अगर आपको नो करोगे तो आपको जो जिस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक आइटम ही आपको यहाँ पर प्रॉपर शो करेगा और जो स्टॉक आइटम साल के दौरान नील हो चुकी है वो आइटम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम F12 से यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से सेटिंग से जाके और क्लोजिंग स्टॉक की जो हमारे पास क्वांटिटी बची हुई है उसकी पूरी डिटेल हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया ये हो जाता है भी आपकी जो परचेज वैल्यू है वो सेल वैल्यू से कितनी कम है, ज़्यादा है, आपका जो परसेंटेज जो आ रहा है कहीं गलती से आपने कोई सेल का अमाउंट है जो गलत नहीं डाल दिया, जैसे कि आपके पास 81.23 आ रहा है, क्योंकि अब 81.3 आने का कारण रीज़न हो रहा है भी आपकी जो वैल्यू है परचेज की वो 100 रुपये की है और जो सेल की वैल्यू है वो 532 रुपए की है, लगे यानी कि 500 रुपए के ऊपर चाहिए, तो आपका जो परसेंटेज का जो मार्जिन है फिर वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाता है भी हमारी जो सेल है वो हमारे से कहीं गलत इनवॉइस तो नहीं जनरेट हो रहे, या हमने कोई परचेज रेट से कोई सेल रेट कोई कम तो नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा अपर तो नहीं हो रहा, तो इससे आपको एक प्रॉफिट का आइडिया हो सकता है। इसी तरीके से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट का मेंटेन कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।